Good morning, student. Today we will discuss about a topic of the surveying, wool circle bearing or curtained bearing. So basically, this topic is depend on bearing. Bearing means angle. Angle that the वो कोण जो कि इसी भी क्वाड्रेंट में बनाया गया हो, थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री और थीटा फोर. बेसिकली बियरिंग आर टू टाइप्स ऑफ बियरिंग. नंबर एक डब्ल्यू सी बी, नंबर दो क्यू बी. इनका पूरा नाम है, नंबर एक का वूल सर्कल बियरिंग एंड नंबर दो है क्वार्टेंटल बियरिंग. इन दोनों में एक न्यूमेरिकल आता है जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, डब्ल्यू सी बी को क्यूबी में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है और क्यूबी को डब्ल्यू सी बी में ट्रांसफर करना पड़ता है. तो हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और इससे कंपटीशन में भी काफी क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्यूबी एंगल दे दिया उसको डब्ल्यू सी बी में चेंज करना और डब्ल्यू सी बी को क्यूबी में चेंज करना. तो पहले तो मैं क्यूबी के बारे में बताता हूं. क्यूबी क्वाड्रेंटल बियरिंग. क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश, हिंदी में बोलते हैं इसको चतुर्थांश. बेसिकली चार चतुर्थांश बनते हैं, इसमें ऊपर लिखोगे एन एस ई और W. इसको बोलते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ. हमारे तीन एंगल बनेंगे, जो पहले में बनेगा वो बनेगा N थीटा वन ई, दूसरे में जो बनेगा सेकंड में जो बनेगा वो होगा S थीटा टू ई और तीसरे में जो बनेगा वो होगा एस थीटा थ्री डब्लू और फोर्थ में जो बनेगा वो होगा एन थीटा फोर डब्लू. सारे एंगल हमेशा एन से बनेंगे. इधर वाला एंगल एन से बनेगा थीटा वन, इधर वाला कहाँ से बनेगा एस से थीटा टू, इसमें बनेगा जो एस से बनेगा थीटा थ्री और इसमें बनेगा वो एन से थीटा फोर. अब एंगल कैसे निकालने हैं, इसमें जो इन जो सारे थीटा वन से लेकर थीटा फोर तक जितने भी एंगल होंगे वो जीरो से लेकर 90 के बीच में होंगे, क्योंकि एक चतुर्थांश का मैक्सिमम एंगल कितना बनता है 90 बनता है. सबसे पहले हम सीखेंगे कि क्वाड्रेंट बियरिंग क्यूबी को डब्ल्यू सी बी में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं. मान लो कोई एंगल है एन 60 डिग्री ई, इसका मतलब क्या हुआ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि ये एन और ई के बीच में है, थीटा कितना है 60 डिग्री. तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो तो क्या होगा, जो थीटा वन होगा वही क्या होगा, ये क्यूबी में हुआ और डब्ल्यू सी बी में क्या होगा, ये थीटा वन ही रहेगा. डब्ल्यू सी बी में क्या बनेगा, ये थीटा वन, यानी डब्ल्यू सी बी में इसका एंगल होगा 60 डिग्री. ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया अपना. द सेकंड क्वेश्चन इज
एज 60 डिग्री ई, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। यहां से 60 डिग्री है, टोटल एंगल कितने का बना 180 का, और यहां से 60 डिग्री है। तो सेकंड क्वेश्चन में अगर अपन WCB निकालेंगे, WCB तो वो होगा 180 डिग्री माइनस थीटा 2, क्योंकि ये जो मान है वो है एस थीटा 2 ई, जो कि मैंने पहले बताया था। तो इसका मान आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री, इसका होल सर्किल बेयरिंग आ जाएगा। होल सर्किल बेयरिंग में क्या होगा, पूरा कोण आएगा, क्यूबी में क्या आएगा, एन ई एस ई एस डब्लू और एन डब्लू, ये चारों चीजें याद रखनी है। ये क्यूबी में जब भी एंगल अपन निकालेंगे तो ये चारों होगा, पहले एन फिर एस फिर एस फिर एन। थर्ड एग्जाम्पल, मान लो थर्ड एग्जाम्पल अपना है एस 60 डब्ल्यू, क्यूबी में अपने को दे रखा है कितना एस 60 डब्ल्यू, इसको अपने को चेंज किस में करना है, WCB। WCB में हमेशा जो एंगल होगा वो n से होगा, पहले अपने n से निकाला 60 आया, फिर दूसरा निकाला 120 आया, तीसरा जो निकालेंगे वो पूरा n से होगा। तो इनडायरेक्टली मेरा कहने का मतलब ये है कि WCB जब अपन निकालेंगे तो 180 डिग्री प्लस थीटा 3 करना है, यानी 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री यानी थर्ड क्वाड्रेंट में इसका मान हुआ 240 डिग्री WCB। क्यूबी में कितना था एस 60 और इसका क्या आया WCB में 240। फोर्थ एग्जांपल जो है अपना 60 डिग्री यहां से, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे होगा एन 60 डब्ल्यू यानी 60 डिग्री थीटा 4। इसको WCB में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा 4, क्योंकि अपने को एंगल कहां से लेना है एन से, पूरा एन से ये एंगल निकालना है अपने को। तो क्या करेंगे 360 माइनस थीटा 4, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 300 डिग्री। ये क्वेश्चन SSC JEE में 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्यूबी को WCB में चेंज करने का। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन करेंगे WCB से क्यूबी में चेंज करेंगे। मैं यहाँ पे चार एंगल लेऊंगा, उनको अपने को क्या करना है आंसर निकालना है क्यूबी में। WCB के चार एग्जांपल जिनको अपने को ट्रांसफॉर्म किस में करना है क्यूबी में। पहला है 67 डिग्री, दूसरा है 130 डिग्री, तीसरा है 260 डिग्री और फोर्थ अपना है 298 डिग्री। अब इन तीनों को अपने को इसमें ट्रांसफॉर्म करना है क्यूबी में। हमें पता है जो एंगल बनते हैं वो इन चीजों में बनते हैं एन ई एस डब्लू और एन डब्लू। तो पहला एंगल देखेंगे अपन कितना है 67 डिग्री, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है WCB इक्वल टू क्यूबी के बराबर होता है, तो फर्स्ट जो एंगल होगा वो आएगा 67 डिग्री आपका क्यूबी में। दूसरा एंगल है 130 कहां से, ये अगर अपन WCB की बात करें तो यहाँ पे N, S, E और W एंगल निकालेंगे तो 130 कहां से आएगा 90 और 40 ऊपर, ये आ गया आपका 130। आपको एंगल कहां से निकालना है, S से निकालना है, यानी आपको थीटा 2 यहां से निकालना है, आपके पास ये एंगल है। तो इसका आंसर क्या होगा WCB QB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस WCB। तो 180 हो गया, WCB कितना है 130, तो माइनस 130 करेंगे तो ये कितना आ गया आपका 50 डिग्री, यानी आपका एंगल कितना आया N S E W और एंगल कितना आया आपका ये 50। लेकिन इसमें लिखते वक्त ध्यान रखना है अपने को
यहाँ पे पहले क्वेश्चन में लिखना था अपने को n और e, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये दूसरे क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे क्या लिखना है एस 50 e। ऐसे थर्ड एग्जांपल 260 डिग्री। अब 260 कैसे बनेगा, n s e w, यहाँ n से लेंगे, ये 180 और ऊपर कितना है 60, 60 और 20 80, तो यहाँ तक चला जाएगा, ये आपका थीटा 3 आ जाएगा। इसको चेंज करोगे 260 को कितना होगा, तो इसमें क्यू बी निकालने को क्या करेंगे, क्यू बी इक्वल टू डब्ल्यू सी बी माइनस 180। हमेशा 180 और 360 में चलेगा, 270 का कोई इसमें लेना देना नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे डब्ल्यू सी बी माइनस 180। डब्ल्यू सी बी कितना है 260, तो आ गया 260 माइनस 180, एंगल कितना है अपना 80 डिग्री। तो ये 80 डिग्री कैसे बनेगा, एन एस E, W, ये बनेगा S से यहाँ पे 80, तो इसका आंसर होगा आपका S A T W। मैंने पहले बोला है क्वाड्रेंट बेयरिंग में तीन होते हैं N E S E और S W, आपको देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ एग्जांपल है 298 कहाँ पे बनेगा, N S E W, यहाँ से चलेंगे 270 और 28 ऊपर, अपने को एंगल निकालना है थीटा 4 ये, तो इसमें क्या होगा क्यू बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस डब्ल्यू सी बी, 360 माइनस 298, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2 और 16 में से 9 गए 7, 72 डिग्री। बट ये 72 डिग्री आया कहाँ पे, 72 डिग्री अपना ये आया एन एस ई W, ये 72 डिग्री आया यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर होगा N 72 डिग्री W। तो फाइनली हमने देखा कि WCB को QB में कैसे चेंज करते हैं और QB को WCB में कैसे चेंज करते हैं। ये न्यूमेरिकल्स SSC JEE में 3 से 4 बार आ चुके हैं, आपको देखना ये कि कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कौन सा सेकंड में है, कौन सा थर्ड में है, कौन सा फोर्थ में है, उसके हिसाब से आपका QB में हमेशा N E S E S W N W, और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे आप।